हेलो दोस्तों, ये जो है हमारा सॉल्वर सिमुलेशन का सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में मैं आपको जो प्रीवियस पार्ट के अंदर जो बता रखे उसी से आगे मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि आप देखें, लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रेस, स्ट्रेन और डिफॉर्मेशन, डिस्प्लेसमेंट हमने कैलकुलेट किया था इस बॉडी के ऊपर। अब जैसे स्ट्रेस की वैल्यू आप देख रहे हैं, इस पर राइट क्लिक करेंगे। अगर आपको मुझे चेक करना है कि किस पॉइंट पे कितनी वैल्यू, कितना स्ट्रेस जनरेट हुआ, सपोज मुझे इस पॉइंट पे चेक करना है, या इस पॉइंट पे, या इस पॉइंट पे, पर्टिकुलर एक पॉइंट पे चेक करना है, उस एलिमेंट के ऊपर चेक करना है, तो कैसे हम करेंगे? तो उस स्ट्रेस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन है एडिट डेफिनेशन, सॉरी प्रोब, प्रोब पे क्लिक करेंगे और जहाँ जिस पॉइंट पे क्लिक करना है उस पॉइंट पे क्लिक कर दो आप। तो उस पॉइंट पे क्या नोड का नंबर है, 1107, उस नोड का नंबर है, उस नोड का कोऑर्डिनेट क्या है और वैल्यू क्या है, वो यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा देगा। ठीक है, इस पॉइंट पे देखना है, उस पॉइंट पे क्लिक करो, क्लिक करते रहो, बस उस पॉइंट पे दिखाते रहेगा जहाँ जहाँ आपको इस वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वैल्यू देखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पे जितने भी हमने मेशिंग पार्ट, मेशिंग करके जितने एलिमेंट में डिवाइड किया था, ये काउंटिंग देखनी है, कितने टोटल एलिमेंट में इसको डिवाइड किया गया है। तो उस मेश पे राइट क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पे डिटेल में जाना है, डिटेल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेलिंग में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलिमेंट कैसे, 10 हमने लिया था, 12.5 लिया था, तो टोटल एलिमेंट्स जो बने हैं 1897 बने हैं। नोड्स क्या होते हैं, एक एलिमेंट के जितने भी को शार्प एजेस होंगे, कॉर्नर्स होंगे, शार्प कॉर्नर्स होंगे, उन कॉर्नर्स को नोड बनेंगे। तो ऑब्वियसली बात है, सपोज एक क्यूब है, क्यूब के कितने नोड होंगे, तो 8 नोड होंगे। उसी तरीके से मतलब जितने भी कॉर्नर पॉइंट होंगे उतने नोड कहलाएंगे। तो 1897 के 3419 नोड्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये डिटेल भी चेक कर सकते हैं। अब आगे आते हैं, अगर आपको इस बॉडी का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है, तो आप रिजल्ट एडवाइजर के अंदर जाएंगे, न्यू प्लॉट के अंदर जाएंगे, यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी का ऑप्शन है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे क्लिक करेंगे आप, और यहाँ पे नेक्स्ट, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये देखिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करके यहाँ से बता दिया, मैक्सिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है इस पूरी बॉडी के ऊपर इस एरिया में है, जो सेफ जोन में है, 1.942×10^2 फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ रहा है इसका। ठीक है, जो कि ये कम है, और जो ब्लू वाला है वो मैक्सिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैक्सिमम है। उसके बाद से आते हैं हम फ्रेंड्स, स्ट्रेस को शो कर रहा हूँ यहाँ से। इसके बाद से आते हैं प्लॉट्स टूल, प्लॉट टूल में आप जाएंगे, यहाँ पे सेक्शन क्लिपिंग का ऑप्शन है, इसको खोलना आप। ठीक है, अगर आपको लेयर वाइज व्यू चाहिए, अलग अलग लेयर पे व्यू चाहिए, जैसे कि देखो पहला है प्लेन, प्लेन को एज ए रेफरेंस मान के इसका सेक्शनल व्यू चेक करना है। इस एरो पे पिक करो, इसको ड्रैग करो, देखो इस तरीके से लेयर वाइज दिखाता रहेगा। ठीक है, कहाँ पर इसकी थिकनेस में कितनी क्या वैल्यू है वो दिखाता रहेगा। ठीक है, इस तरीके से जो ऊपर वाले पार्ट है वो ग्रीन डॉट है, वो थोड़े कम सेफ हैं, जो ब्लू वाला है सबसे ज़्यादा सेफ जोन है। नॉर्मल सी बात है, जो बीच का लेयर होगा वो सबसे ज़्यादा सेफ जोन में होगा, क्योंकि उस पर लोड कम अप्लाई होगा। इस तरीके से आप देख सकते हो, पूरी एंटायर बॉडी तक भी आप देख सकते हो इस एरो को पिक करके। ठीक है, नेक्स्ट है सिलेंड्रिकल फेस में देखना है, तो सिलेंड्रिकल पे क्लिक करो। ठीक है, उसके बाद से इस सिलेंडर के हिसाब से जैसे आप देख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से स्फेरिकल में देखना है, स्फेरिकल में ये स्फेयर बन के आ जाएगा, इस एरो को पिक करके आप ऐसे, इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, कहाँ पर किस तरीके से कैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है हमारा सेक्शन व्यू। सेक्शन व्यू के बाद से इसके अंदर आता है आइसो क्लिपिंग। आइसो क्लिपिंग कुछ इस तरीके से होगा कि इसका लेवल जो है अंदर का भी आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इसकी थिकनेस कम करनी हो तो यहाँ से आप कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से ये होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अगर आपको नॉर्मल चाहिए तो आइसो क्लिपिंग पे जाओ, नॉर्मल ले लो इसको। ठीक
ठीक है, इस तरीके से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम करेंगे एनालिसिस के जो भी टर्म्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद से आते हैं ये सारे जो काम मैंने अभी बताया वो सब सब इस क्या कहते हैं आप जो भी कोई न्यू स्टडी करोगे ये जितनी भी करोगे वो इन सब के अंदर ये सारी चीज़ें कॉमन चीज़ें वो मैंने आपको बता दी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड। जय हिंद, वंदे मातरम।